वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं आफ्टरनून की 1:50 और मैं निकल चुका हूँ हॉस्टल की ओर। एक्चुअली आज थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, दैन मैं सोया हुआ था और रात में प्लस थोड़ा मॉस्किटो थे रूम में, दैन नींद पूरी नहीं हुई। तो फिर सुबह दीदी को छोड़ के आया कॉलेज, मतलब स्कूल, एंड देन फिर आके सो गई था मैं। फिर अभी निकला हूँ हॉस्टल की ओर, चलते हैं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी डैट आई लर्नड सम हाउ कि हाउ टू डू कैनुलाइजेशन, मीन्स कैनुला, हाउ टू इंसर्ट कैनुला इन पेशेंट। पहले मैंने आज स्कॉल्पिन लगाया, दैन स्कॉल्पिन लगाने के बाद फिर इवनिंग में एक पेशेंट था उसका कैनुला आउट था, दैन वो कैनुला लगाया, वो लगाने के बाद दैन फिर इवनिंग का सीन था, इवनिंग में लगाना था कैनुला। तो मैं और खुशबू जी गए और दैन हमने, मतलब मैं उनको कहा था ना कि मुझे सीखना है, तो लास्ट टू टाइम्स मैंने इंसर्ट तो किया लेकिन ब्लड नहीं आया था। फिर उन्होंने पुश किया तब आया, मतलब ऑलमोस्ट ठीक था, मतलब 50% ठीक था, 50% उन्होंने ठीक किया। लेकिन आज 100% मैं लगाया और सीखा थोड़ा सा, मतलब अच्छा लगा और फिर ब्लड आया, मतलब परफेक्टली लगा, पहले स्कॉल्पिन देन कैनुला। सो ये आज अच्छा लगा। दैन फिर पेशेंट के डोजेज वगैरह किए, एक पेशेंट एडमिट था, दैन वो सब करने के बाद, एडमिट होने के बाद और फिर इवनिंग के डोजेस निपटाने के बाद थोड़े बहुत ओपीडी भी थे, ओपीडी भी निपटा लिए और फिर अब निकल चुका हूँ घर की और थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब पहले से बेटर फील हो रहा है। एक्चुअली खाना, मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, अरे डाइजेशन हो रहा है, खाने का डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि इररेगुलर हो जा रहा है ना। साइकिल के हिसाब से खाना चाहिए तो हो जाना चाहिए लेकिन साइकिल के विपरीत चल रहा है शेड्यूल, देन उसके हिसाब से तो फिर गड़बड़ी है। तो चलते हैं, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, तो बस देखते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, गॉड लक है ना, गॉड लक नहीं मेरा लक। बस ये सीन चल रहा है, बट स्टिल आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज इन बिटवीन एमएससी और व्हाट शुड आई डू है ना। ये सीन चल रहा है, लेना पड़ेगा एक एक्सपर्ट की राय। अब मुझे भी अमिताभ बच्चन जी के शो की तरह एक ना एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, फिर मैं लेता हूँ एडवाइज़र वाला ऑप्शन है ना, एडवाइस। लेट्स सी, आई हैव आंसर, आई हैव टू गो टू टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर माय बेटरमेंट लाइफ, और एल्स लाइफ विल गो लाइक दिस, है ना। ये तो नहीं होने को ना, डन करते हैं कुछ, चलते हैं बराबर। बस स्टैंड तो पहुँच गया हूँ और देखते हैं, बस तो एज यूजुअल नहीं होंगी लेकिन हो सकता है, मिरेकल ऑलवेज हैपन्स समटाइम, हो सकता है मिरेकल, क्योंकि बस आ भी सकती है, 9:30 बजे बस मिल जाती है कभी कभी, लेकिन नहीं है यार, वो भी सफर वाली है। कोई ना, चलो देखते हैं कब आएगी नेक्स्ट बस।